मजा आ रहा था फिर आप लोगों ने कुछ कमेंट कर दिया पजामे के ऊपर <laughs> वैसे ना कमेंट जब बहुत ज्यादा एहतजाज स्टार्ट हुआ है ना इस वक्त मतलब पजामा जो इमरजेंसी लगी हुई है मेरे मैंशन के ऊपर जब बहुत ज़्यादा एहतराज हुआ है तो एक बंदे ने आके कहा वैसे आप लोग गलत अप्रोच कर रहे हैं उस पजामे की वजह से आप लोगों को बहुत सारे कॉमेंट्स मिलते हैं बहुत इंगेजमेंट मिलती है तो लेट हिम कंटिन्यू विद द पजामा बट नाउ वी हैव इन जीन, हाँ ठीक है दूसरा यह है कि अब वो मैं जाहिर है अब रोज तो नहीं पहनूंगा लेकिन हफ्ते में एक दिन मैं पहनूंगा क्योंकि मैंने हिसाब में गया कि भरी दुनिया में मेरा एक ही दोस्त है पार्व चौहान <laughs> वो पचास डॉलर दे रहा है मुझे हफ्ते में कम से कम एक दिन वो पजामा पहनने really?

हाँ। मसला बता क्या है, है? मसला ये है कि 24 करोड़ की आबादी में सिवाय एक मेरी दोस्त ताशी के कोई बंदा नहीं है जिसने पब्लिकली का इजहार किया हो जो काशिफ फसी हुई टी शर्ट्स पहन के आ जाता है अपने मूव्स दिखाने के लिए ठीक हाँ। है मेरी इतनी सेक्सी ज़ीब्रा प्रिंट में लोगों से हजम नहीं हुई हाँ। से सेक्सी खुद तो तो खोल चुके हो देखो मेरी हाँ। टांगों को मसला ये ये है कि ऊपर घड़ा की वजह से हाँ, वरना हाँ। अगर ये ना ना हो हाँ। तो इस सेक्सी टांगे हो नहीं सकती तो के मूव्स सबके लिए ठीक हैं हाँ। मेरी टांगों से मसला है बात ये है कि वो अमीर है मैं गरीब हूँ ये लिस्ट बना लो जितने लोगों ने कंप्लेंट की है ये बेसिकली एंटी पुअर है आज नहीं तो कल इन सब ने पीटीआई ज्वाइन कर लिया नहीं, ऐसी बात नहीं है देखिए मैं आपको बताती हूं मे, मेरे जो अच्छा इससे रिलेटेड हर कमेंट हर तारीफ मेरे इंस्टाग्राम पर आ रही होती है ठीक है और सवाल भी मुझसे ही पूछे जाते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे अली के मता... बारे में कमेंट्स ये चल रहे होते हैं कि अली इज अ वेरी गाय बड़ा चिकन पीस लगता है जो बॉयज इसके ऊपर बहुत ज्यादा टुन है लेकिन हमें मसला ये है कि इसकी ड्रेसिंग सेंस जो है वो अच्छी नहीं है तो प्लीज इसको फिक्स करें एक तो मैंने फिक्स नहीं करना दूसरी बात यह है कि उनको तुम्हारे अंदर इतनी खूबसूरती का पोटेंशियल नजर आता है यू यू जस्ट नो डाउनिंग इट बिकॉज तुम पजामा चेंज करने की कर तैयार नहीं वो भी तुमसे प्यार का इजहार कर रहे हैं एक ना मैं से गो फंड भी बनाता हूँ मेरे कपड़ों के लिए आपने वो दो हजार बीस में गो फंड फंडी बनाया था अपनी एल्बम के लिए और अब मैं दोबारा शुरू नहीं कर रहा क्योंकि एक दफ़ा एल्बम आ जाए वो ना ढाई मैंने मांगे हुए थे चौदह हज़ार डॉलर अच्छा तो वो हुआ ये कि अभी दो हज़ार दो सौ डॉलर हुए थे तो मुझे उधर से नोटिस आ गया तब ना चलता नहीं था पाकिस्तान में गो तो वो अमरीका में मैंने किसी का दिया हुआ था तो उन्होंने कहा कि टैक्स <coughs> <दे पेपल coughs>

शेप भी कर लिया करो यार मैं माओजार के फर्स्ट एपिसोड पे गई देखने के लिए कि ये वाकई इस कितने बुरे हालात पहले एपिसोड से थे कि ये इसको बीच में हुआ है और मुझे ये शिद्दत से एहसास हुआ कि मेरी कंपनी की वजह से मैं भी शायद इसका एकदम ही ना बिल्कुल पट्टा ही बैठ गया कि मैं नहीं नहीं मतलब मुझे एहसास ही हुआ कि लोग मुझे नहीं देख रहे <laughs> <laughs> नहीं।, <laughs> नहीं 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 दाढ़ी जो है ना हमारी वो ना तो सुस्ती होती है ना वो कोई फैशन स्टेटमेंट होती है वो दाढ़ी की जो लेंथ है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डबल चिन के साथ <laughs> मेरे सारे दोस्तों ने ने यही किया भाई। वो यही छुपाते रहते रेहान अली बाकी सब ने इसी तरह से किया है इतना बड़ा पाओ यार इधर ना हमारे पास बंदा नहीं होता लेकिन हमें अंदाजा हो गया फ्रेम बना तुम्हारी उधर ना अंदाजा नहीं होता कि फ्रेम क्या बना है मतलब मैं तुम्हें देख के बना के तो उधर आके बैठ जाता हूँ मेरे नहीं पता मेरा पाओ आ रहा है क्या आ रहा है मैं बहुत चाहता हूं जिन लोगों हाँ, ने मेरे देखे हाँ दोबारा नहीं होगा हाँ, वैसे तो हमारी कोशिश होती है कि मेरे घर में हो ही ना लेकिन किसी किसी टाइम जरा हमें ज्यादा करनी पड़ती है तो फिर मैं उसको बुला लेती हूँ यार यहाँ पर आ जाओ और अगर आपको ये हो रहा है कि मैं आज इतनी तैयार की हूँ तो मैं अभी एक निका अटेंड करके आई हूँ प्लीज मेरे पीछे ना पड़ जाना मशरकी लिबास आज तो आपने जेब तंग करा बस जी मैं वो निकाह अटेंड किया फिर मैंने कहा अच्छा मैं घर के आ जाऊँ तो फिर मैं इसी तरह तैयार होकर इसकी तरफ आ गई मैंने कहा चलो शो करते हैं मैं की अच्छा जी स्टार्ट करें जी अच्छा तो पहली खबर ये है कि हमें ये सुनने को मिल रहा है कि प्राइवेट चैनल्स को जो है वो कवरेज की इजाज़त नहीं दी जा रही है जियो की जो है वो मरियम नवाज़ ख़ान जर्नलिस्ट हैं उनको हरास किया गया है और इसके साथ मतलब उन्होंने साथ वो ये भी नारा लगाया कि जियो गद्दार जियो गद्दार बाकी चैनल सारे गद्दार तो प्राइवेट चैनल जो है उनको नहीं है। लेकिन आपको फुल फ्लैच कवरेज जो है टी वी पर ज़रूर मिल रही है

ਗੋ ਫੰਡ ਮੀ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਤੁਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੂੰ ਗੋ ਫੰਡ ਮੀ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਸਪான்ਸਰਡ ਹੋ ਡੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਪான்ਸਰ ਮਿਲਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ Jio ਹੈ ਕਿ ਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਪਕੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ

जरूर इसके पीछे कुछ शतनी <laughs> तो <अच्छेंडा। laughs> हाय हाय खैर देखते हैं क्या तो मैं, मैंने तो कवरेज इतनी नजर भी नहीं रखी है ट्विटर पे देखा था मेरे से ना वो क्योंकि मुझे ये है कि वो जो एकदम बार बार कहने कि एकदम ठोस हो जाएगा और इमरान खान का कुछ भी नहीं होगा वो वापस आ जाएगा मैं उसके लिए रेडी नहीं हूँ मैं फिर अपना वो हाइप ही नहीं बिल्ड कर रही अपने माइंड में कि पता नहीं क्या होने वाला है आगे वैसे आई डू वॉन्ट इमरान खान टू स्टे दो हाँ इतना सारा हो रहा है कि उन्होंने अपना आज जो है वो कार्ड शो करना है हाँ।, हाँ और वो कह रहे थे वो वो वाला कार्ड नहीं है वो नहीं है हाँ। वो भी और है हाँ मुझे तो ना एक बहुत ज्यादा डर लगा हुआ है <laughs> वो कार्ड ये ना हो कि वो किसी को मनाज़रे के पेश कर <laughs> और फिर वो मोदी निकल आए <laughs> कोई भी निकले <laughs> मोदी के साथ नाचना शुरू हो जाए ना एक वो अकबर एस बाबर है ना जिसने पीटीआई पे पीटीआई के पुराने थे उन्होंने कहा कि जी इनकी फॉरेन फंडिंग का प्रॉब्लम है हाँ। 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 वो चार साल से इमरान खान को मनाजरे की पेशकश कर <laughs> रही है इमरान खान ने कबूल नहीं की <laughs> इमरान खान ने आगे से नवाज शरीफ और मोदी को किया वो भी नहीं कबूल कर रहे बीच में तो हमाद अज़र भी लगे रहते हैं खुश आज़ैब खान जो कुराले आप मेरे साथ कुराले आप आए एक तो बात करूँगा मैं, मैं आपसे ठीक है तो खैर अच्छा गाइज हमाद अज़हर से मैं अभी यहीं पे ख़बर दे दूँगा हमाद अज़हर ने फिर वही बोलना शुरू कर दिया जो पी टी आई का शुरू से रहा है कि आपको इस दिन जो है इन बजे और दो दो बजे तीन बज के सेकेंड ये वाले टाइम के मुताबिक जो है ना आपको नया पाकिस्तान नज़र आएगा सो हमाद अज़र ने कहा है कि अट्ठाईस मार्च को आपको नया पाकिस्तान नजर आने लग जाएगा हाओ हाउ मेनी टाइम्स इतना चूरन बेचेगा यार ये आदमी <laughs> अभी इस इसने, नए इसने पाकिस्तान ने भी रिफरमेशन <laughs> मतलब हम क्या देख रहे थे तीन साल आपने हमें यही ट्रक की बत्ती बना के दिया हुआ था कि जी हम नया पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं नया पाकिस्तान आपको नजर आएगा तो हूं कि नया पाकिस्तान बना पे खैर ये वो है पाकिस्तान में पहली मरतबा नई बॉडी के साथ अच्छा <laughs> जी नेक्स्ट जो है वो वो मेरे पुजी बॉय ने स्टैंड ले लिया माई बुजीवर में मैं, आ गया मैं में और वो कह रहा है कि पंजाब असेंबली की जो है पंजाब करने लगा हूँ और वो तैयारियां भी हो गई हैं करारदादा भी मंजूर हो गई और वो होने लगा घुस के फट के बुजी <laughs> <है ना? laughs> मेरा, ये मेरा ये ख्याल है कि ये इन्होंने ना काफ लीग को तंग अगर हम डिजोल्व कर देंगे तो फिर सीएम बनोगे

जो कि मेरे ख्याल में बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए नहीं। बजी जी को सेफ नहीं नहीं। पैसेज देना चाहिए अगर निकालना भी है और उनको इज्जतदार तरीके से निकलो एक्टली exactly. मतलब अगर निकालना वैसे नहीं हम चाह रहे हैं कोई गलत लफ्स भी इस्तेमाल करते नहीं सुना लव्स का तो वो इस्तेमाल करना है ना एक चुप सो सुख वाला उनका मामला है

कार में बैठी कोई लीक आए कोई मोलचोल बने यू नो ऑफिसर में जहां बैठते हो ना पता लगता है हुकूमत वालों के साथ बैठो तो पता लगता है कि जी ऑपोजिशन के हमारे पास ऑपोजिशन की बहुत वीडियोस है ऑपोजिशन <laughs> में बैठो तो पता लगता है कि हुकूमत की बहुत वीडियो <laughs> ओ कड्डो सारू किया पे

तो उसने कहा यार ये जबरदस्त आए हैं और फिर किसी ने सजेस्ट किया कि तुम अपनी शादी पे भी ये पहन सकते हो उसने कहा ये शादी पे मैं पहन सकता हूँ अगर लड़की का घरारा भी उसी रंग का हो तो उस पे किसी और ने कह दिया कि यार, बहुत ही आगे निकल <laughs> तो हमारे एक और दोस्त बैठे तो कुछ भी नहीं मैं तो वहाँ पे साइड पे खड़ा होकर बेनजीर कुल्फा भी खाना

नहीं देखिए मैं ना यहाँ पर इनको एक टिप देना चाहूंगा जी बताएं। हाँ उसकी वजह यह है कि ये जो आप मेरा मुदबराना एक बुजुर्गाना जो एक मेरी शख्सियत देखते हैं तो उससे आपको शायद ये महसूस होता हो इसका पजामा वापस लेकर <laughs> वैसे ही ठीक था <laughs> आपको ये शायद महसूस होता हो कि मैं कभी किसी फड्डों में नहीं पड़ा मेरी कभी कोई फिस्ट फाइट नहीं हुई <laughs> ये बात ना ये तासर गलत है मैं आपको बता दूँ और मैं मतलब जिस तरह कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं है कि जो अजीम प्लेयर है वही अच्छा कोच हो कोच अमूमन होते हैं जरा बी कैटेगरी सी कैटेगरी के प्लेयर उनको ना पहचान होती है कि एक्चुअली क्या चीज़ हो तो आप अच्छे हैं। बनते इसलिए वो कोच अच्छे बनते हैं तो मैं ये बता दूं कि ये जो शख्सियत जो आज मेरी शख्सियत का मैं जो तमदन और जो हूं, मैं पाया नो नो इसका पा� मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा से ऐसा था और कभी मेरा लड़ने का दिल नहीं किया मैंने इसे बहुत ज्यादा मारी <laughs> तो एक वाहिद एक एक्सेप्शन एक इंस्टेंस ऐसा था कि जिसमें वो लड़ाई होने लगी तो वो पता नहीं क्यों वो जो दूसरा लड़का था <laughs> वो भाग गया <laughs> और मैं हैरान होकर मैंने उसको थोड़ा सा चेज भी किया क्या ना जा रहे हो इसके अलावा आज तक तो जब भी मैं हथी हुआ ना किसी से मुझे बहुत कुट पड़ी तो उसके बाद फिर मैंने हिसाब लगाया बैठ के कि ये प्रॉब्लम क्या है कि मतलब हम दोनों इंसान हैं दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं दोनों हम लड़ने की नीयत से जाते हैं वो कुटता है मुझे कुट पड़ जाती है प्रॉब्लम क्या है तो फिर मैंने हिसाब लगाया कि मेरा ना मुक्का स्लो मोशन में जाता है अगलों के ना मुक्के तेज होते हैं <laughs> तो ये जो ये जो कराटे वाले हैं ना इनकी मैंने उस दिन वाली भी प्रेप देखी है मैंने आज वाली देखी हाँ है आपको हौसला मंद नहीं है इन, इनके मैंने हिसाब लगा लिया कि एग्जैक्टली मतलब कि ये ना स्लो है <laughs> ते पाई जी मैं तेन दस रही हूँ तजर्बे की बुनियाद तो तुम्हें नहीं लड़ना ना हाय हाय बड़ा अच्छा आपने कंक्लूड किया हां जी आई एम इन एग्रीमेंट विद अली की करना है की पटलोगे तो सी आई एम इन एग्रीमेंट विद हिम अच्छा चले खैर लेकिन मुझे ना उनके वीडियोस आती रहे ये वाला जो पार्ट है ना मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसको देखने का कि वो थोड़ी थोड़ी देर बाद वीडियोज जो है ना बढ़ा देते हैं अच्छा जी नेक्स्ट जो खबर है वो ये हमको बता दें पीटीआई ने टीचर पर वापस बुला लिया है यार मेरा ना वैसे डीजेस के साथ कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा हुआ शादी हो जलसा हो कोई दूसरा इवेंट हो या तो उन्होंने स्पीकर बिल्कुल पार्ट चाहते के अगले बंदे का तरह निकल जाए या फिर उन्होंने स्पीकर बंद हो जाने ही परफॉर्म करते हुए क्यों आप ये क्या मसला है हाँ असल में ना ये तो मसला हर किस्म के वेंडर के साथ है क्यों? उसकी वजह ये है कि लग रही है जब लोग हाँ। जो है ना <laughs> <laughs> आप कारोबार शुरू कर लेते हैं हाँ, किसी भी चीज का अब हाँ। वो जाहिर है आप खुद तो नहीं सारे इक्विपमेंट का ख्याल रख सकते हैं। हाँ। तो होता ये है कि आप बंदे रखते हो अच्छा वो जो बंदे हैं ना वो कभी भी उस इक्विपमेंट का उतना ख्याल नहीं रखते जितना के होना हो जाता है, वो मतलब आप एस एम डी मंगवा के देख लें किसी ने ने, तो मुझे हाँ. तो मुझे तो मसला है दूसरा ये है कि मेरा ये ख्याल है कि डीजे के साथ इस मुल्क में ज्यादा भी बहुत होती है वो ज्यादा इसलिए होती है कि सबको जब इवेंट का टाइम दिया जा रहा होता है ना अब रात को आठ बजे इवेंट है तो लाइट वाले को कहा जाएगा कि तुम दोपहर चार बजे आ जाओ या शाम स्टेज uh, वाले को कहा जाएगा तो हाँ। दो आ अच्छा डीजे को कहते हैं <laughs> अच्छा। है कि यार, जब हम काम हो रहा होगा ना तो पीछे भीनी भीनी सी मौसी चल रही होगी हाँ। तो सब जरा मूड में रहेंगे अच्छा हाँ। डीजे आता है डीजे आके अपना सारा जज्बा ना प्रेप में निकाल जाता है बाय द टाइम जब इवेंट शुरू होता है ना तो डीजे ग़ज़लें चला रहा होता है कि यार मेरा टाइम हो गया मेरे से उन याद आनी शुरू हो गई जैन छट के गई थी मंगनी तोड़ के

तो वरना ये जो 50 उसी में सारा खर्चा पूरा हो गया तो भी ठीक है वरना ये है कि ये मेरे ख्याल में आजकल में पैसे निकलवा लें तो बेहतर है हाँ ये हमारी तरफ से आपको मशवरा दीजिए बट अगर उनको कोई है तो प्लीज ये उनको बता दें पैसे आपने पहले ले लेने है बात जान न कोई गारंटी नहीं है